ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। प्राचीन काल की बात है, पद्मपुर गांव में मुकुंद नाम का एक नाई रहता था। मुकुंद प्रतिदिन बाजार के समय क्रेता विक्रेता का केश और दाढ़ी बनाया करता था और उससे जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से उसके परिवार का पूरा भरण पोषण चल जाया करता था। रोज रोज का ये बेस्वाद खाना अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। कान खोल के सुन लो, कल जाके बाजार से मछली नहीं लाए तो फिर देख लेना, तुम्हारी चमड़ी उधेर के ही बना दूंगी। आज मछली लेकर जाना ही होगा, नहीं तो मेरी पत्नी इतनी खतरनाक है, कहीं सचमुच मेरी खाल न उधेड़ ले। मछली का भाव क्या है जी? 3 रुपए किलो। कुछ सस्ता में नहीं होगा क्या? एकदम ताजी मछली है। ताजा है तो मक्खी क्यों बैठी है? देखिए बाबूजी, इतना बहस मत कीजिए, वहाँ पे झींगा मछली है सड़ी हुई, ले जाइए, पैसा नहीं देना होगा। कितना बदबू दे रहा है बेवकूफ इंसान, बाजार में ताजी मछली नहीं मिली थी क्या? हाँ पाया था तो लाया क्यों नहीं? तुम तो बोली नहीं ताजा लाऊंगा कि सड़ा। ओ, मैं बोली थी ना मछली नहीं मिलेगा खाने को तो तेरी चमड़ी उधेर के बनाऊंगी। रुक, तेरी चमड़ी उधेर रही हूँ। चमड़ी तो लोग पांसुल से छुड़ाते हैं। तेरी चमड़ी उधेरने के लिए बोली थी, किससे उधारूंगी ये तो नहीं कही थी, इसीलिए मैं तेरी चमड़ी झाड़ू मार के उधेड़ूंगी। अरे बाप रे, मुझे से कहीं के मुझसे बच के कहाँ जाएगा तू? रुक रुक रुक। मैं किसी तरह से आज बच निकला। चलूं उस बरगद के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बाह, बहुत दिन बाद एक खट्टा खट्टा आदमी दिखाई दिया है। आज बहुत दिन बाद एक आदमी का मांस खाने का मिलेगा। आज मैं तुमको खाऊंगा। तुम कौन हो जी? मैं भूत हूँ, तुम्हारा ही गर्दन मरोड़ का खून पीऊंगा। भूत नहीं, हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है, जानते हो तुम्हारे जैसे मैं पहले एक भूत पकड़ा है। रुको दिखाता हूँ। यह देखो, दिखाई दिया, अब तुम्हारी बारी है। ना ना भाई, अब मैं खून नहीं पीऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। वादा करता हूँ कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तुम जो चाहोगे वही तुम्हें दूंगा। ठीक है, तब तुम मुझे एक घड़े मुहर दो। ठीक है, मैं अभी दे रहा हूँ अभी। ये लो, अब मुझे छोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, अब जाओ भगो यहाँ से। अरे बाप रे बाप, आ हा 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 हा। क्या बोल रहे हो? एक गगरा सोना। हाँ, एक गड़ा मोहर,
यह देखो ये भगवान कितना सारा सोना है। भूत के दिए हुए एक घड़ा मोहर को पाकर मुकुंद आज उस इलाके का सबसे बड़ा आदमी बन गया है।